सागाची की स्मृतियाँ 136 अंक 30/9/1966 रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष पूज्यपाद प्रभु महाराज मोटर गाड़ी से अद्वैत आश्रम के प्रवेश द्वार पर उतरे। साथ में भरत महाराज है। तदुपरांत ठाकुर को प्रणामादि करके सीधे प्रेमेश महाराज के कक्ष में आए। तख्त के पास तकिया रखा था और एक छोटी गद्दी उनके लिए रखी थी। वे आकर गद्दी पर न बैठकर उकरू ही जमीन पर बैठ गए और बोले, कैसे है? सेवक द्वारा परिचय दिए जाने पर प्रेमेश महाराज ने कहा, महाराज प्रणाम करूंगा, चरण कहाँ है? प्रभु महाराज, वह सब आवश्यक नहीं है। प्रेमेश महाराज, दीक्षा कहाँ देंगे? प्रभु महाराज, इन लोगों ने कहीं ठीक किया है। प्रेमेश महाराज, काशी में ना? क्यों, काशी में तो स्वामी जी के कक्ष में विशुद्धानंद जी महाराज ने दिया था। 2/10/1966 सेवक, महाराज प्रेसिडेंट महाराज आए हैं। प्रेमेश महाराज, महाराज थोड़ी पदधूली दीजिए। हाथ बढ़ाकर, चरण कहाँ है? प्रभु महाराज, आप अब क्या पदधूली लेंगे? प्रेमेश महाराज, अरे थोड़ी दीजिए ना पदधूली। प्रभु महाराज के हाथ बढ़ा देने पर प्रेमेश महाराज ने स्पर्श किया। प्रेमेश महाराज, प्रेसिडेंट को तो हम लोग ठाकुर की प्रतिमा समझते हैं, ठीक जैसे दुर्गा पूजा की प्रतिमा होती है। प्रभु महाराज, आपने तो पत्र में वही लिखा था। प्रेमेश महाराज, हाँ वह ठीक है, वही समझता हूँ मैं तो। आंखों से देख नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, दहिना हाथ चलता नहीं, कानों से कम सुन पाता हूँ, बायां हाथ थोड़ा चलता है। आंखों से तो दर्शन हुआ नहीं, किंतु आपका कंठ स्वर थोड़ा सुन सका, फिर भी स्पर्श तो हुआ। प्रभु महाराज, सहस्य एक कुछ होने से ही हुआ। प्रेमेश महाराज, आप मंगलगिरी से मिलकर आ गए? प्रभु महाराज, हाँ। प्रेमेश महाराज, क्या वे चल फिर पाते हैं, आंखों से देख पाते हैं? प्रभु महाराज, अथर्व ने चरणों पर लगकर प्रणाम किया, आंखों से देख पाते हैं, बातें भी कर लेते हैं। प्रेमेश महाराज, महाराज यही हम लोगों की अंतिम भेंट है। प्रभु महाराज, देखता हूँ, कल यदि समय मिला तो एक बार पुनः आऊंगा। प्रेमेश महाराज, चरणों की धूली तो आपने दी नहीं, फिर भी आपके मुख से इतना ही सुनकर सांत्वना पाऊंगा कि मैंने पदधूली दे दी, अब तो आप भोजन करने जाएंगे। प्रभु महाराज, अभी ठाकुर का भोग नहीं हुआ है। प्रेमेश महाराज, आप अद्वैत आश्रम में प्रसाद पाएंगे? प्रभु महाराज, मैं अपने कक्ष में ही खाता हूँ, वहाँ ही भोजन प्रसाद पहुँच जाएगा। सेवक से, इनका स्नान हो गया, भोजन कर चुके हैं? सेवक, स्नान हो गया है, बाद में भोजन करेंगे। प्रेमेश महाराज, जब आप भोजन करने जा रहे हैं? प्रभु महाराज, अच्छा अब मैं चलता हूँ। 20/11/1966 सेवक, अच्छा महाराज आप इस समय ठाकुर का स्मरण कर लेते हैं? महाराज, हाँ कर लेता हूँ। सेवक, जब बेहोश जैसे प्रतीत होते हैं क्या तब भी चिंतन करते हैं? महाराज, हाँ तब भी ठाकुर का चिंतन ही करता हूँ। सेवक, क्या ठाकुर की मूर्ति का चिंतन? महाराज, हाँ। सेवक, माँ का चिंतन नहीं करते हैं? महाराज, थोड़ी देर मौन रहकर करता हूँ। सेवक, क्या आपको बातें करने में कष्ट होता है? महाराज, हाँ होता है। 23/12/1966 सेवक, महाराज जो लोग काम काज नहीं करते उनके ही रोग कष्ट अधिक है, जैसे आप, शांतानंद महाराज, गुरुदास महाराज, इसके अलावा साधारण साधु लोग तो है ही। महाराज, नहीं वैसा क्यों? रोग प्रत्येक के अपने अपने कर्म वश होता है, इसके अलावा सबकी कर्मों के प्रति प्रवणता एक समान नहीं होती। कर्म त्याग करके जब ध्यान पूजा पाठ छोड़कर आलस्य पूर्वक समय बिताने से पाप लगता है, तब देह पर दुख भोग हो सकता है। सेवक,
मेरी तो कर्मों की और प्रवणता है, महाराज तुम्हारी परोपकार प्रवृत्ति है। सेवक, इसे घटाने का प्रयास करना क्या अच्छा है? महाराज, घटाने बढ़ाने की कोई बात नहीं, इसे इस तरह उन्मुख करना होगा जिससे यह ठाकुर की ओर जाए। ज्ञान कर्म भक्ति योग समन्वित साधना मेरी सब साधना थी। मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है, समाधि होना असंभव नहीं, किंतु शरीर की इस अवस्था के कारण ध्यान और समाधि नहीं होती। 24/12/1966। इस समय महाराज के शरीर की दशा का ठीक से वर्णन कर पाना असंभव है। इतना कष्ट है किंतु चुपचाप परे रहते हैं। कभी कोई बात पूछने पर या तो उत्तर देते हैं या चुपचाप रहते हैं। कुछ समय पहले माँ की बातें श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग से पाठ करने को कहते थे, किंतु अब पाठ हो या न हो वे चुपचाप रहते हैं। उनकी इस अंतर्मुखी अवस्था को समझने की क्षमता सेवक में नहीं थी, महाराज की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी, फिर भी उनकी शारीरिक सेवा चलाते रहना बहुत कुछ मूर्ति की सेवा करने जैसा था। 28/12/1966। सेवक, महाराज ब्रह्मचर्यवान किंतु इस जगत को सर्वस्व समझने वाले तथा ब्रह्मचर्य रक्षण में असमर्थ किंतु भगवन मुखी, इन दोनों में से कौन अच्छा है? महाराज, ब्रह्मचर्यवान और भगवन मुखी रहने से अच्छा है, किंतु इस जगत को सर्वस्व समझने वाला घोर स्वार्थ परायण होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता है, माता पिता भाई बहन सबके दायित्व से बच सकता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु जो भगवन मुखी है उसका भगवत विश्वास ही ब्रह्मचर्य रक्षा में उसकी सहायता करेगा क्रमशः।